फिगर की वॉच की ऑल्टरेशन करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और इसके साथ क्या क्या टूल किट चाहिए वो सब बताऊंगा। ये देखिए कितना बड़ा है मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग, कम से कम 3 लिंक निकालना है इस वॉच का इसमें से। तो देखते हैं कि इस वॉच में से क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वॉच स्टे, दूसरा इसमें पिन आएगा जिससे हम पिन इसको निकाल सके, और तीसरा हमारे पास हैमर की नीड पड़ेगी, और चौथा हमारे पास प्लास की नीड पड़ेगी। जब फंस जाता है इसका पिन तो इसको इससे घींच के निकाला जाता है। तो लगा के देखते हैं अब दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश मॉडल आया है, अभी तक लैमिनेशन भी निकला है, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ इसका लैमिनेशन दोनों साइड। बिल्कुल न्यू वॉच है टॉमी हिलफिगर की, गोल्डन वॉच है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है इसका। और देखते हैं चलो दोस्तों कि इसकी वॉच, ये देखिए पूरा टॉमी हिलफिगर का वॉच रहेगा। और सबसे पहले इसके अंदर जो होता है ना एरो बना होता है, जिस साइड एरो होता है लिंक उसी साइड निकलता है। तो ध्यान से देखिए एरो किधर है, और वॉच को उसी साइड इसको नीचे लगाना है, और ऊपर पिन लगा के इसे हैमर से ठोक देना है, वो पिन आउट हो जाएगा। जब पिन आउट हो जाएगा इसमें से तो आप उसे हाथ से अगर घींच सकते हैं तो हाथ से निकल जाएगा, अगर टाइट है तो प्लास की ज़रूरत पड़ती है। ये इस प्लास से आप घींच के ये लिंक निकाल सकते हो। ये देखिए बहुत ही ईजी है, आप सीख सकते हैं, आप जब ध्यान से करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे बहुत ही ईजिली ऐसे करना। अब जब ये पिन निकल गया है तो दोबारा से इसके दूसरी साइड से प्लास्टिक की साइड से ठोकना है ताकि इस पर स्क्रेचेस नहीं आए, इसलिए प्लास्टिक की तरफ से मैं ठोक के दिखाया आपको। अब देखिए ये देखिए दोस्तों रिस्ट में साइज लगाने के बाद अभी भी थोड़ा लूज है मेरे रिस्ट के अकॉर्डिंग, एक लिंक और निकलेगा तो अब मैं निकालूंगा उसके दूसरे साइड से, क्योंकि एक साइड से दो पिन निकाल दिया है और दूसरे साइड से दो लिंक और निकालूंगा इसके ताकि साइज इक्वल आ जाए, ऐसा ना हो कि छोटा बड़ा हो जाए। ये देखिए दूसरी साइड से भी निकाल रहा हूँ, उसी तरह ही निकालना है जिस तरह पहले साइड से निकाला है। धीरे धीरे ईजिली आप इसे ठोकते रहना है हैमर से। ये देखिए ये निकल गया आपका पिन, और वापस इसे ठोक रहा हूँ मैं इसको लगा के पिन। ये देखिए प्लास्टिक के साइड से ध्यान रखना है, मैं सर प्लास्टिक के साइड से ठोकना। अब देखिए अब मेरे रिस्ट पे बिल्कुल फिट आ गया है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लुक है इसका, बहुत डिसेंट है, बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों। ये आप भी सीख सकते हो घर पे बैठे बैठे, स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखते रहना, आपको सब चीज़ आ जाएगा। एक्स्ट्रा लिंक निकाल दिया, ये आप केयर करके रखना ताकि आपका रिस्ट थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको ऐड ऑन कर लेना। कई बार क्या होता है इस पर ना वेयर करते करते स्क्रेचेस बहुत सारे आ जाते हैं या कलर आउट होने लग जाता है, तो आप जो जहाँ से जिसका पीस का कलर का आउट होगा ना या फिर स्क्रेचेस ज़्यादा दिख रहा होगा तो वो वाला पीस निकलवा के आप इसको ऐड ऑन कर लेना बाद में, जैसे केयर करके रखना।